हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुधा और आप देख रहे हैं सुधा रिएक्शन चैनल। तो आज फिर न्यू वीडियो में रिएक्शन करने वाली हूं, तो आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक। और आज का टॉपिक है श्याम की दुल्हनिया, तो देखते रहिएगा लास्ट में और जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए, आपका समय खराब ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तू है श्याम की दुल्हनिया, श्याम जी की दुल्हनिया। रुको, ये शादी नहीं हो सकती। अगर समीर यहाँ है तो ये कौन है? सोनिया, ये हमारे सपनों का महल है जहाँ हम शादी के बाद रहेंगे। महल तो ऐसे बोल रहा है जैसे पूरा का पूरा महेश्वरी साम्राज्य हो। अब ये क्या है? वहाँ का प्यार वहाँ बहुत प्यारी है। पायला गुमा करम चले, तेरी वजह से ही मेरा श्याम बिगड़ता जा रहा है। किसी दिन किसी गाड़ी के नीचे आके दबके मर क्यों नहीं जाता? अरे माँ, तू क्यों परेशान हो रही है? देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाया है बेटे, क्या लाया, दिखा ना। अरे माँ, इधर क्या देख रही है, उधर देखो। ले ले, ग्लास नहीं है, ले क्या? छी, ये क्या कर रहा है? क्या छी, पानी नहीं आता है घर में, सारे बर्तन ऐसे चाट चाट कर तो साफ किए हैं सुंदर ने। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे होगा ये सब? कुछ नहीं, सुबह हजमोला की गोली खा के हक देगा। कल मेरे भैया ने मुझे देखने के लिए लड़के वालों को बुलाया है। अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो अपनी माँ को लेकर आ जाना। अरे यार, तू टेंशन मत ले, ले हजमोला खा। ओब्रॉय साहब कहाँ हैं? पिताजी बिजनेस के सिलसिले में वहीं रुके। आइए राजमाता, बैठिए। क्या बात है? ये कौन है? ड्राइवर है हमारा। अरे घंटे का ड्राइवर भाई साहब, इन्होंने हमारा भाड़ा नहीं दिया और हमसे कहा हमारा साथ चलो, फ्री में नाश्ता करवाऊंगा। अरे भैया, आप उधर जाइए ना, आपको नाश्ता मिल जाएगा। Disgusting people. हाँ तो what is your wedding plans? We want abroad wedding like Abu Dhabi, USA. But same, Paris is nice location. Nice. And what is your wedding plans? हैं? अरे मतलब आपने शादी के बारे में क्या सोचा है? अच्छा, सोचना क्या है, वैसे तो हम दहेज के सख्त खिलाफ है, लेकिन अगर आप देना चाहो तो। सुंदर, एक फ्रिज, एक कूलर, एक टीवी, चार ऐसी, दो फॉर्च्यूनर, गैस सगड़ी बाटला, एक बंगला, 4 BHK, 1 करोड़ रुपए नगद। क्या इसमें से कुछ नहीं चाहिए? बाकी सब तो ठीक है, लेकिन शादी के बाद मेरी बहन को रखोगे कहाँ? After marriage, I decided to start a new business in Dubai, so I purchasing a new flat in Burj Khalifa, on top floor. Very nice. वैसे ही जैसे इन लोगों ने सोचा है, उधर फेरे पड़ेंगे और इधर हम सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम करवाएंगे। क्या बकवास कर रही है बुढ़िया? अरे भैया, मेरी माँ का कहने का मतलब था बेटी घर से दूर जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना, अगर वो घर के पास रहेगी तो कभी भी आप उससे मिल सकते हैं।
तो बारात किस तरीके का लाने का प्लान है आपकी तरफ से? We want 4 white horse with white dark light and famous DJ of our city. Yeah, nice. So excited. And your? क्या हुआ भाई? सोनिया का भाई मर गया क्या? क्या हुआ बेटा, क्यों उदास है? रणवीर सिंह ने सोनिया की शादी सेम के साथ फिक्स कर दी है माँ। अरे तो क्या हुआ यार, दूसरी सोनिया पटा लेना है ना माँ, सही कहा ना? दूसरी सोनिया अभी बने रहिए। उदास मत हो बेटा, अब देख ये पार्वती, चुन्नीलाल, गणपतलाल, गोटालाल क्या करती है। कैसे करेंगे यार? अरे बेटा ये माँ किस काम आएगी, रुको। लेकिन माँ ये तो सोनिया से प्यार करता है। रुको सोनिया, श्याम तुम मुझे जहां रखोगे जैसे रखोगे मैं रह लूंगी, बस तुम मुझे यहां से ले चलो। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, इसके लिए तो ये सब कर रहा हूँ। और बाकी का हम संभाल लेंगे। लड़का और लड़की फेरे के लिए आगे बढ़े हैं। शादी संपन्न हुई, शादी संपन्न हुई। ये बोले जान जाएगा का लड़की का भाई जान जाएगा। रुको, ये शादी नहीं हो सकती बेटा। कौन है भिखारी, बाहर निकाल के फेंक दो साले को। ओ नो, अब कैसा बाप है, अपनी बेटी को नहीं पहचानता। अरे रुको रुको, ये तो हमारा सेम है। अरे अगर समीर यहाँ है तो ये कौन है? ये है स्टोरी, ये एक लड़के लड़को प्यार करते हैं और जो शादी करना चाहते हैं लेकिन उनके परिवार जन को नहीं पसंद है, तो श्याम और उसके परिवार ने हमारे साथ धोखा किया है, इन्हें जान से मार दो। शादी होने वाली होती है, जो पहले वाला है उसका बॉयफ्रेंड है, दूसरे लड़के बेशक मार दीजिए मुझे, वो मार देता है। लेकिन अगर प्यार और जंग में सब जायज है तो जो मैंने किया वो भी गलत नहीं है। जब शादी हो जाती है आप इस सेम से शादी करा कर अपनी बहन को खुश कर लेते। अरे ये तो बेचारी जहर खाकर जान दे रही थी,
मारते हैं। आज आप अपनी बहन की डोली की जगह विदाई करते, उसकी अर्थी उठाते भैया, बेशक मार दीजिए मुझे। खड़े खड़े देख क्या रहे हो, मारो साले को। अगर किसी ने श्याम को हाथ भी लगाया ना, तो मेरे बंदूक की गोली सबसे पहले उसकी छाती में घुसेगी। और लाइक कमेंट जरूर करिएगा। जब तक के लिए धन्यवाद। जाओ श्याम, जय भारत। ले जाओ अपनी सोनिया को।